एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के बारे में। अभी के टाइम करेंट प्राइस चल रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 67 रुपीज़ 90 पैसे के पास, तो नीचे की तरफ सपोर्ट देख लेते हैं। स्टॉक में नीचे की तरफ सपोर्ट है 60 रुपये के पास, और ऊपर के लेवल पे स्टॉक में रेजिस्टेंस है 72 से लेकर लगभग 75 रुपीज़ के पास। तो जब तक स्टॉक इस 10-15 रुपये के रेंज पे हम लोग को ट्रेड करते दिखेगा, स्टॉक में कुछ इसी तरीके से साइडवेज टाइप के रेंज में ट्रेड करते हुए स्टॉक दिख सकता है। अराउंड स्टॉक ऑलमोस्ट हम लोग को फेब मंथ से स्टॉक ने कुछ खास हम लोग को मूव दिखाया नहीं, करीब लगभग इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाया। वैसे जब भी 75 रुपीज़ के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट हम लोग को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखने मिलता है, स्टॉक कुछ इस तरीके का रैली फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, जिससे पहला टारगेट स्टॉक में निकल के आएगा जो कि अराउंड रहेगा 80 से लेकर करीब 100 रुपीज़ तक का, और दूसरा टारगेट स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से 120 से लेकर करीब 150 रुपये से ज़्यादा तक का भी हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूले जो कि 60 रुपये के पास, क्योंकि जब तक स्टॉक 60 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा स्टॉक में ऊपर की तरफ मूव देखने मिल सकता है, लेकिन 60 रुपये के नीचे निकलते हुए स्टॉक आइदर साइडवेज रेंज में ट्रेड करते दिखेगा प्रीवियस की तरह, या फिर नीचे की तरफ एक बड़ा फॉल भी दिखा सकता है जो कि हो सकता है 50 रुपये तक भी स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर के लेवल पर सस्टेन करते दिख रहा है, स्टॉक में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ हम लोग को मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।